गाइस मुझे लगता है कि हमें इतने जाना चाहिए क्योंकि आज मेरी फ्रेंड है वो बहुत डल थी, उसने फिर इंस्टीट्यूट एक ज्वाइन किया, आज वो मुझे टेक्स्ट कर रही थी, इंग्लिश में ही ज़्यादा बोल रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ। मुझे लगता है हमें इंग्लिश सीखने जाना चाहिए, आपको क्या लगता है नज़ा? हाँ मुझे भी लगता है हमें इंग्लिश सीखने जाना चाहिए क्योंकि मेरे जो कोवर्कर्स है वो मेरे साथ इंग्लिश में बात करते हैं और मैं उनको समझ ही नहीं पा रही हूँ और बहुत ही अक्सर इंग्लिश में ही बात करते हैं। आपको क्या लगता है हमें इंग्लिश सीखने जाना इंग्लिश सीखने जरूर जाना चाहिए? नहीं नहीं मुझे नहीं लगता है, लेकिन ये आप इंटरनेशनल लैंग्वेज है, ये जरूरी सीखनी चाहिए है, अच्छी लैंग्वेज, बट मतलब अब हमारे पास टाइम नहीं है, हम जॉब कर रहे हैं। सो लेकिन ये बॉस भी तो आजकल इंग्लिश में ही बात करते हैं और हम बिजनेस के रिलेटेड हमें ये जॉब रोज नहीं करते ये बात इंग्लिश में, कभी कभी करते हैं तो वो हमें समझ में आता है। देखिए अक्सर मीटिंग इंग्लिश में ही होती है, वहाँ पे वो जो बिजनेस मैन है उसको इंग्लिश आती है, हमें नहीं लगता है हमारे लिए अभी जरूरी है, नहीं है जरूरी क्योंकि हम अभी अपनी जॉब में बिजी हैं, तो हम पहले से ही ड्रॉप कर रहे हैं, हम नहीं ड्रॉप कर रहे हैं, ये जरूरी है। आपको क्यों लगता है कि ये जरूरी है? हमें नहीं लगता है तो कोई नहीं, हमारे साथ आओगी? हाँ मैं आऊंगी, हाँ मुझे भी लगता है हमें जाना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। नहीं यार वो बॉस ना बता नहीं उसने क्या खाया, सुबह खडूस है एकदम का खडूस, मतलब उसने मुझे क्या, अभी उसने बोला उसको कि प्रोडक्ट को बुलाओ तो मैं गई, अब मैंने डॉक्यूमेंट्स दिखाए उसको, वो वहाँ से इंग्लिश कर रहा था तो मैंने अच्छे से समझा उसको, लेकिन मैं बोलने वाली थी, पता नहीं वो क्या चप्पड़ चप्पड़ वहाँ पे कर रहा है, तो मैं अब जवाब देने वाली थी, पता नहीं उसने मतलब उसने सुबह सुबह मेरा दिमाग खाया। नहीं हम ये बातें कर रहे थे अब कि हमें इंग्लिश सीखनी चाहिए। हाँ मैंने सोचा था मैं रिजाइन करूंगी, लेकिन मैंने सोचा हमें अपने आप को डेवलप करना चाहिए, वही ना वही मैंने सोचा था मैं रिजाइन दूंगी, अब मैंने उसको बोला अभी मैं रिजाइन दूंगी, तो फिर मैंने बाद में सोचा कि यह हमारी प्रॉब्लम का सलूशन नहीं है, मुझे लगता है हमें कोई एकेडमी ज्वाइन करनी चाहिए। आपकी नजर में कोई एकेडमी है? आपकी फ्रेंड वो बहुत अच्छी है, आप भी आओगे हमारे साथ? और कुरती मैंने अपनी फ्रेंड से सुना है कि वहाँ का जो सर है वो बहुत स्पेशल है और वो पढ़ाता भी अच्छा है, वो इंग्लिश में बहुत अच्छा है, पढ़ाता भी अच्छा है। हाँ मुझे भी लगता है क्योंकि जो सर ने मुझे आज किया ना मेरी इतनी इंसल्ट हो गई वहाँ पे, और उसने मेरा दिमाग खाया, मेरा जी कर रहा था मैं उसका गला दबा दूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा नहीं यार मुझे लगता है आप भी हमारे साथ ज्वाइन करो। मुझे लगता है ना मैं एक बात बोलूँ सर, एक सेकंड मैं एक बात बोलूँ, हम इकट्ठे जाएंगे छे, हम वहाँ पे डेमो क्लास देंगे, हम देखेंगे अगर हमें सर मतलब अच्छे से समझ में तो हम ज्वाइन करेंगे, अभी ये आपको अभी लगता है पता है मतलब सर क्या करते हैं, अभी मीटिंग में बुलाता है ना वो वहाँ पे इतना चप्पड़ चप्पड़ करता है ना, रोज रोज नहीं करेगा ना, अब एक दिन किया क्या रोज रोज, मतलब ये हम बिजनेसमैन है तो हमें ये वहाँ पे क्योंकि जो हमारे साथ कोवर्कर्स है वो भी अक्सर इंग्लिश में बात करें और हम स्टक हो जाते हैं वहाँ पे क्योंकि हमें कुछ समझ में नहीं आता कैसे बात करें, फिर हम बोलते हैं हाँ हम इग्नोर करते हैं, हम बोलते बाय बाय अभी लेट हो गया और ये हम इग्नोर करते हैं, अदरवाइज ऐसा कुछ भी नहीं है। बात में तो बहुत पछतावा कि इंग्लिश लैंग्वेज कितनी इम्पोर्टेंट है। नहीं नहीं हम नहीं पछताएंगे, वैसे भी हमारे सारे फ्रेंड्स और दो ही बात तो फ्रेंड्स का फ्रेंड्स नहीं है आप अभी जा रहे हैं, अभी फ्रेंड्स का मसला नहीं लगे मतलब इन फ्यूचर अगर हमारी जॉब कहीं बाहर लगी तो हम वहाँ पे भी यही इस्तेमाल करेंगे, वो उसी टाइम सोचेंगे ना, अभी नहीं सोचेंगे, छोड़ो यार ये कब की बात है। तो आपने आपने डिसीजन मतलब यस यस हम नहीं आए, तो अब आ रहे हैं, चलो गाइस हम जाएंगे। कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं होता, ये सब नखरे होते हैं और कुछ भी नहीं, छोड़ो यार इन बातों को मत दो दिल पे, और वैसे भी यार वक्त मतलब बहुत ज्यादा चला गया, तो हमें इंग्लिश पहले सीखना चाहिए था, पहले जब हम पढ़ते थे, अब कहाँ। ओके सिट डाउन। ओके डू यू नो दैट व्हाई डिड आई कम रेन दिस मीटिंग टुडे? नो सर। डू यू नो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? नो सर। So let me tell you that our business is about to fail. Our business is on its last leg. Okay, our business has gone bankrupt. So we are supposed to
especially you, you are supposed to bring forward or put forward your suggestion so that we will revive our stagnant economy as well as our stagnant business. So I want you, one by one, that we are teaching about it, that how can we revive our stagnant economy? If not now, then never. As we know, if you are not going to give it a sound counsel, so what we have to do? We have to liquidate our business. So I want you, one by one. Okay, sir. Sir, first of all, we have to think why our business has got failed. Yes. And we have to think what are the reasons that our business got failed. Yes. We have to check was the profit plan done. Yes. Did we need all the basic requirements of business research? Yes. If we want to revive our business, yes, we have to take expert advice. Yes. And if we are serious about to rebuild our brand, yes, we have to look upon the competitors, yes, and about brands, yes, and we have to check market need, what, yes, market needs, yes, and the most important, get out of box. Okay, alright, good. Next. Okay. So according to my perception, yes, to revive our business, we have to make a habit, yes, of hiring, yes, top talent and deserving candidates. Yes. So we have to take tips from those who have done it before. Yes. And we have to evolve with our products and service. Okay. Very good. Okay. Very good. Okay. Next. Me, sir. Okay. Very good. First of all, we start business for the purpose of profit. Yes. When we are supposed to fail in our business, yes, so we should reduce the price of our product. Yes. And we should sell the product of the cost value. Yes. So in this case, there may be no profit, no loss. But let me tell you that if you are going to sell our products without the profit margin, so do you think that it will serve our purpose? Okay, I agree with you that if we want to revive our business, if we want to revive our stagnant economy, then what we have to do, we need to sell our products. We need to sell our, yes, products on cost value. Yes. But don't you think so that if we are going to sell our products on cost value, then there will be the no profit margin, then how it will serve our purpose? Yes, sir. In this case, in this matter, there will be no profit, no loss. That is right. Yes, that's what I am asking. That if we are going to sell our products without the profit margin, then how can we run our business? Because you are supposed to do it, you are supposed to bring forward, to put forward the sound counsel. As you are supposed to. Why? Because you are the shareholders of this business. Yes, sir. You are the shareholders of this business. Okay, so what you have to do? You need to give me the sound counsel. With the help of we can revive our stagnant economy. As you told us that we have to sell our product, we need to start selling our products on its cost value. But when there is no profit, then how can we run our business? Yes. So actually, we have to check the what market needs. Yes. We have to think about that. Yes, yes. And so do you agree with her? She told us that we need to sell our products on its cost value without the profit margin. Do you agree with her? Does it serve our purpose? Sir, I agree, but not quite. But not quite. So what do you think about it? Do you think that we should sell our products on the cost level? No. No, okay. Okay, next. So first of all, we have to see that why our business got failed. Yes. And we have to have serving candidates, yes, and top talents. Yes, very and good. Top talents. Yes, very and good. And now we have to patience. Yes. Yes, sir. So we must have patience. Okay. Next. Okay, Munaza, what do you think about? What should we do? What kind of the setups should we like to? Should you like to adopt for the purpose to revive our stagnant economy and then revive our stagnant business? Tell me about it. So we know that business losses. Yes. So we should prepare ourselves for, yes, future. Yes, very good. And we should act. Very good. We should concentrate, yes, on the quality of the product, yes, not on the quantity of the product, yes, so that people will think about that. Okay, so that people will think about that. Okay, very good, very good. Next. Okay, fine. Okay, very good. We have to
see why our business got too depressed. Yes. Everything seemed too depressed. Yes. So we have to make ads and for example, if our product quality is too bad, so yes. We have to make it good. Yes. Well, I totally agree with you. Exactly, I totally agree with her. Because she told us that we should go for the advertisement. Yeah. We need to tell the people about its special qualities, okay? So with the help of, with the help of, we can increase our sale. We can. Okay, anybody else? Okay. I agreed with Insha because she told us that we need to sell our products on its cost value. And I also agreed with Faika. She told us that we need to make the advertisement. We should go for the advertisement. We should need to go for the advertisement because of the advertisement. Because of the advertisement, what we can do? We can revive our stagnant economy. Because with the help of the advertisement, we can make the people aware about our product, about the special features of our product. Okay. And any kind of the major would you like to adopt for the purpose to revive our business? Okay, you, very good. Okay, in English. How did you get the job from this company? Tell me about it, and how did you get the job from the company? Do you want to humiliate the prestige of this company? Then? Don't you know how to speak? I'm totally unimpressed with you, and you are fired from the job. As you know, the current circumstances. As you know that what we are facing right now, the prevailing situation. But still you don't know anything about the English? You have to think about the prestige of our business. You don't know anything about it. You are fired from the job. And I'm going to close this meeting. इंग्लिश एकेडमी ज्वाइन करो क्योंकि मुझे पता था सर कैसे बिहेव करेंगे फिर मीटिंग में पहले ही बोला था मैंने सर कैसे बात करते हैं अब रोने की जरूरत नहीं है अभी भी अलमान ज्वाइन कर सकती हो मैं आपको अपने साथ ले जाऊंगी वहां पे चुप करो